नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं विजय खरेड़ा जो कर रहा है आपके साथ सुनील सहारा है। आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि मस्त आदे तेरे नाजाई मस्त बना देंगे विभाग, और उसी का उदाहरण है धर्म नगरी जड़वा गांव। जड़वा गांव जहां राजनीतिक चर्चाओं का गांव रहा, वहीं आपको बता दें कि यहां बहुत से संतों ने तपस्या की और तीन समाधियां भी आपके सामने हमने पहले भी दिखाई थी। आज पूरे उत्तरी भारत के जो संत हैं वो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, गांव की तरफ से भंडारा लगाया गया है। कुछ ऐसे महान संत हैं, उनसे हम आपकी बातचीत भी करवाएंगे। आपको पता है कि जिस तरह के गांव और खेड़ों की बात करें तो यहाँ बहुत से तपस्वियों ने ऋषियों ने तपस्या की, तब जाकर ये बड़े बड़े गाँव हैं वो स्थापित हुए हैं। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि 41 दिवसीय जो तपस्या की गई थी पंचधुणों की, वो भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, वो आज पूरी हुई है और गांव दड़बा के तमाम लोगों द्वारा यहाँ एक भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। भिन्न भिन्न प्रदेशों से और देश के हिस्सों से यहाँ पर साधु संत महात्मा पहुंचे हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ कुछ सिद्ध पुरुष भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे वो क्या कुछ कहेंगे और इस कठोर तपस्या का क्या उद्देश्य है, उस बारे में भी चर्चाएं हम करेंगे। हमारे साथ महान योगी संत जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। स्वागत है गुरु जी आपका बेदड़े हरियाणा में। आदेश आदेश। ये आपने 41 दिन की कठोर तपस्या की है, क्या कुछ कहेंगे? ये नगरी के सुख सुख संपत्ति के लिए ये तपस्या की जाती है। आज एक भव्य भंडारा किया गया है, कितने कहाँ कहाँ से साधु पहुंचे? ये काफी जिलों से पहुंचे। हमारे साथ गुरु जी जुड़ेंगे बातचीत में। आपका पहले तो नाथूश्री चोपटा की इस पावन धरती पर स्वागत है कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ संत पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे आज? सभी को हाथ जोड़ के आदेश, जय श्री राम। आपको भी आने पे बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं। बाबा जी, जिस तरह की ये कठोर तपस्याएं की जा रही हैं, इनका क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? ये कठोर तपस्या गुरु गोरखनाथ जी महायोगी की हर तपस्या है जो गांव के भले के लिए की जाती है। हरी बीमारी ना आए, दीने में सुख शांति रहे, गांव नगरी में सुख शांति बनी रहे, इसीलिए घोर तपस्या करी जाती है। बाबा जी, एक समाज में जिस तरह की कई जगह मतलब पाखंडवाद फैल रहा है, कोई किसी प्रकार की मतलब बार बार आई चर्चाएं आती रहती हैं कि धर्म के नाम पे दुकानें चलाई जा रही हैं, क्या कुछ संदेश देंगे इस बारे में? उसके नाम पे हम कुछ नहीं कहना चाहते, अपना अपना अनुभव है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, हम तो धर्म के नाम पे चलते हैं, महायोगी गोरक्षनाथ जी के विधियों पे चलते हैं और देश का भला करने के लिए और तपस्या करते हैं। ये हमारे साथ महान योगी संत जुड़े आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, और जो महंत हैं इस क्षेत्र में जो सेवाएं करते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। राम राम। राम राम जी। बाबा जी तपस्या करे थे, तारो जो महंत समाज है वो आए थे कुछ जी, पूरा महंत समाज आए यही भलाई का काम करने के लिए, और हम जितना सदा सारो दे रहे मेरे गुरु है। आप देख सकते हैं कि जो महंत है उनकी तरफ से भी एक सहयोग राशि है वो डेरे में भेंट की गई है, और आपको बता दें कि हर समय हम ये सोचते हैं कि ये तो सिर्फ मांगने का काम करते हैं, लेकिन समय समय पर जो सामाजिक जो काम होते हैं उनमें भी ये पूरा समाज है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। आपको बता दें कि डेरे की जो मान्यता है वो कहीं किसी से छुपी हुई नहीं है, इन मान्यताओं में यहाँ मुर्दों में जान आई है और अन्य जो प्रकार की विपताएं गांव के लोगों पे आई वो कहीं न कहीं इस डेरे के माध्यम से, इन महान तपस्वी लोगों के माध्यम से वो दूर इन संत महात्माओं ने की है। ये तमाम जानकारियाँ आप जो देख पा रहे थे बेतड़क हरियाणा न्यूज पे, मैं आपके साथ सतवीर साहब जो कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ, आप देख सकते हैं कि तमाम जो हमारे क्षेत्र के हमारे उत्तरी भारत के जो साधु संत है वो यहाँ पर आज पहुंचे हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं बाल योगी यहाँ पहुंचे हैं। ये तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सनातन धर्म संस्कृति की जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों को हम आपसे अवगत करवाना चाह रहे हैं। ये दो छोटे छोटे जो हमारे साथ योगी हैं ये भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि सनातन धर्म में जो है छोटे छोटे जो साधु हैं, बालक जो साधु हैं और
जिन्होंने कठोर तपस्या की है, इस समाज को जो एक नई दिशा देने का काम किया है, वो तमाम तस्वीरें हैं वो आप यहाँ पर चलपा गांव से देख पा रहे हैं। मैं आपके साथ संदीप सारण, कैमरा सूर्य शर्मा के साथ, धन्यवाद।